अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो सर? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैपकट के अंदर एडिटिंग कैसे करता हूं। मैं आज आपको पांच ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप कैपकट में अपनी एडिटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये रेशियोज़ होती है नीचे, आपने अपनी वीडियो उस रेशियो में सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आपने बनानी होगी। तो ये फुल स्क्रीन वीडियो मैंने ली थी, तो इसलिए मैं इसको फुल स्क्रीन रेशियो में सेलेक्ट करूँगा। तो फिर कैपकट में आप सब लोग मेरे से पूछ रहे हैं VS कोई एप्लीकेशन बताओ जिससे स्मूथ स्लो मो हो जाए। सब मेरे से ये टिकटॉक के नीचे कमेंट्स में ये स्पैम चल रहे होते हैं, सारे ये कमेंट कर रहे होते हैं। तो यार कैपकट में खुद स्मूथ स्लो मोशन आ गया हुआ है। आपने कैपकट में स्प्लिट करनी है कोई जगह और यहाँ पे आपने स्पीड में जाना है। नीचे स्पीड का ऑप्शन गिवन होता है, यहाँ पे आपने नॉर्मल यहाँ पे आपने स्पीड स्लो कर देनी है। नॉर्मल में जाकर 0.2 करके यहाँ पे बेटर क्वालिटी कर देनी है, तो ये आपका स्मूथ स्लो मोशन हो जाएगा। अच्छा, तो जब तक ये स्लो मोशन हो रहा है तो अब तक यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, न्यू आया तो हमें ऐसी लाइट मोशन और कैपकट की ट्रिक्स एंड टिप्स लाता रहता हूँ। और ये साइड पे मेरा इंस्टाग्राम और टिकटॉक आ रहा है, अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही तो मुझे वहाँ पर मैसेज कर देना, मैं आपको डिटेल से सब कुछ वहाँ पर बता दूँ। ये देखिए, पहले क्लिप फास्ट हुई थी, फिर जो हमने ये स्मूथ स्लो मोशन किया था इससे स्मूथ स्लो मोशन हो गया, और ये फिर से दोबारा से फास्ट हो गई। आपने जितनी मर्जी दफ़ा करनी होगी कैपकट के अंदर आप कर सकते हैं उतनी दफ़ा स्प्लिट करके। तो फिर इसकी स्पीड अप एंड डाउन भी मैं इसी से करता हूँ, कर्व में जाकर स्पीड के। तो आप ये बीट नीचे करेंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी, इसकी जो डॉट है बीट का ये ऊपर करेंगे तो स्पीड फास्ट हो जाएगी। आपने जैसे मर्जी स्पीड फास्ट एंड डाउन करनी हो आप इसे कर सकते हैं। फिर कुछ शेक्स इफेक्ट्स हैं वो भी मैं इसी लगाता हूँ, यानी मशीन में जाके आपने जो स्प्लिट किया होगा तो उसके अंदर ये डिफरेंट टाइप ऑफ शेक इफेक्ट्स हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे इसकी स्पीड भी स्लो तेज कर सकते हैं, मैं इसे यूज़ करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको एक टिप बताता हूँ, इससे आप बॉडी इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाके बॉडी इफेक्ट में जाएंगे तो आपके पास ये वाला इफेक्ट होगा। इससे ना कलर में आइज़ में कलर्स आ जाते हैं, तो इसको ना आपने सही तरीके से एडजस्ट कर लेना। ये देखें, जैसे जैसे मैं एडजस्ट कर लूँ ना, इससे आपकी वीडियो बहुत अच्छी एडिट हो सकती है, बहुत अच्छी लग सकती है। यहाँ पर आप इसकी सेटिंग में जाएंगे ना, इस इफेक्ट की आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको इसकी इंटेंसिटी मिल जाएगी, इसके कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसके इफेक्ट बड़ा और कम कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी होगी आपने जौन सा लाइट करनी होगी अपनी आइज़ के अंदर, और जौन सी ये इसकी इंटेंसिटी तेज़ कम करनी होगी वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ब्लू किया तो ये अभी डन नहीं हुआ, जैसे मैंने फेड इन किया था पहले एकदम इसकी आँखों में लाइट आ गई। ऐसे आप वहाँ पर शेक इफेक्ट भी लगा सकते थे। फिर मैं यहाँ पे फेड आउट कर दूँगा, यहाँ फेड इन कर दूँगा। ये देखें, पहले मैंने इसमें फेड इन की लाइट आई, फिर मैंने इसको दोबारा फेड इन की लाइट चली गई। वैसे आप अपनी वीडियोस को एडिटिंग अच्छी कर सकते हैं इससे। तो अब मैं इसके आपको बताऊँगा कलर ग्रेडिंग। आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाना है, तो यहाँ पर आपको नीचे HCL का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो ये कलर ग्रेडिंग इससे ही मैं करता हूँ। आप ये ऑरेंज कलर है ना वीडियो में, तो ऑरेंज कलर आपको हटाने के लिए इन दोनों को आपने प्लस कर देना, वीडियो का ऑरेंज कलर जो भी होगा वो कम हो जाएगा। और जैसे इनके हाथ में फ़ोन है तो मैं इसका फ़ोन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। फ़ोन का कलर ग्रीन है तो मैं ग्रीन सेलेक्ट करूँगा, तो मैं इसके इनके फ़ोन के कलर को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ऐसे मैं HCL से ऐसे करता हूँ। ये देखें, बिफोर एंड आफ्टर मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये पहले था और ये अब है। और फिर इसके बाद आपने, मैं इसको बता देता हूँ, आपने अगर ये कलर आइज़ इफेक्ट लगाना हो या कोई भी आपने अच्छी सी वीडियो बनानी हो जिसमें आपको HD इफेक्ट चाहिए हो, कैपकट में तो वन टैप HD इफेक्ट रख दिया हुआ। लाइट मोशन में आप इतनी ज़्यादा वो करते हैं HD इफेक्ट करके पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है उसके अंदर। कैपकट में सिर्फ आपने यहाँ पर फिल्टर में जाना है, ये वाला फ़िल्टर है, ये आप लगाएंगे आपकी वीडियो HD हो जाएगी। दो दफ़ा लगाएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, एक दफ़ा लगाएंगे तो इतना पड़ेगा। ये देखें कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया। अभी हमने कुछ भी नहीं इसे किया, कोई ना इसकी कुछ एडिटिंग नहीं की ना सॉन्ग है, सिर्फ मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आप अपनी कैपकट में एडिटिंग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने स्प्लिट करके एक चीज़ को कॉपी करना है, फिर उसे ओवरले में ले आना है। जौन से भी आपने क्लिप में बैकग्राउंड में कोई चीज़ लगानी है, जो बैकग्राउंड में आजकल टिकटॉक पर काफ़ी वायरल हुआ था, वो लोगों ने हर्ट लगाए होते हैं बैकग्राउंड के अंदर, तो आपने स्प्लिट करना है पहले एक चीज़ को, उसे कॉपी करना है, फिर कॉपी वाला जो होगा ना, जो आपकी कॉपी हुई होगी उसको आपने ओवरले में ऐड कर देना।
ओवरले में आप ऐड करेंगे ना, तो आपने ओवरले जो नीचे आ जाएगा ना, इसका आपने बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन होता है रिमूव बैकग्राउंड का, ये ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड का। फिर आपने यहाँ से ऐड ओवरले में चले जाना है, रिमूव बैकग्राउंड करके ओवरले का, और आपने यहाँ पे ऐड ओवरले में जाना है, स्टॉक वीडियोज़ में जाना है। यहाँ पे आपको दो हर्ट्ज मिलते हैं, आपने ये वाला सेलेक्ट करना है और इससे वीडियो में एडजस्ट कर देना। और फिर आपने लेयर्स में जाना है, लेयर वन में करेंगे ना तो ये बैकग्राउंड में चला जाएगा, हट चला जाएगा इसका। फिर आपने यहाँ पे नीचे इसका स्प्लाइस में जाके ओवरले पे कर देना, तो ये ऐसा इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा, ये बैकग्राउंड में चला जाएगा। आपने एक दफ़ा इसे ठीक तरीके से एडजस्ट करके कर लेना, ठीक तरह से हो जाएगा ये। बैकग्राउंड में आप हर्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये पहले था, ये बाद में है जब मैंने बैकग्राउंड में हर्ट इफेक्ट ऐड किया, और ये जब फ्रंट में होना था वो ऐसे होना था, बैकग्राउंड में किया तो ऐसे हो जाएगा ऐसे। तो आप ये हर्ट नहीं, आप टेक्स्ट जो मर्जी आप चीज़ ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में, ऐसे जो मैंने आपको ये मेथड बताया, कॉपी करके स्प्रेड करके कॉपी करना, फिर उसे ओवरले में ले आना, फिर ओवरले को आपने बैकग्राउंड रिमूव कर देना ओवरले का, फिर आपने उसमें ऐड ओवरले करके लेयर वन पर टैप कर देना। तो ये थी यार ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं। पहले मैंने आपको स्टॉप मोशन इसमें करके दिया है, इसमें आईज इफेक्ट भी लगा के दिया है, इस वीडियो को HD भी करके दिया है, और बैकग्राउंड में ये भी बताया कैसे चीज़ें लगती हैं। चलें ठीक है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।